दोस्तों, क्या आपका च्यवनप्राश आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपका च्यवनप्राश आपकी बीपी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन को दूर करता है? और दोस्तों, क्या आपका च्यवनप्राश अच्छी मेमोरी, स्टेमिना और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है? और दोस्तों, क्या आपका च्यवनप्राश आपको यंग दिखाने में मदद करता है? अगर नहीं करता तो चलिए चलते हुए जानते हैं क्या खास है दोस्तों इस च्यवनप्राश के बारे में। दोस्तों चलिए चलते और ओपन करते हैं अपने ऑल टाइम फेवरेट न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश को। दोस्तों पैकिंग बहुत ही अच्छी और बढ़िया वाली भेजी गई है एमवे की तरफ से। यहाँ पे दोस्तों च्यवनप्राश बहुत ही अच्छे तरीके से चमक रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा रोशनी है इस पे च्यवनप्राश के अंदर। अगर मैं पकड़ने जाऊं तो दोस्तों हाथ में नहीं आ रहा है, ये मजाक कर रहा था दोस्तों। यहाँ पे फ्लैश लाइट चालू करके भेजी है एमवे ने हमें। मजाक को दोस्तों बाजू में रखते और यहाँ पे है हमारा ऑल टाइम फेवरेट न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश। दोस्तों चलिए चलते और बातें करते क्या स्पेशल चीजें हैं यहाँ पे इसके अंदर डाली गई है च्यवनप्राश में, जो इसको मार्केट के च्यवनप्राश से बहुत ही ज्यादा हटके और अलग रखती है। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों ये आधे किलो का है, आप देख सकते हैं क्लियरली, और इसको कौन कौन लोग खा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा और दोस्तों स्पेशल लुक दिया है इसको। बेसिकली दोस्तों इतना छोटा जो आप देख सकते हो, ये एमवे में जितने भी डब्बे आते थे ना छोटे, वो दोस्तों 200 ग्राम के रहते हैं, लेकिन इसके वजन बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। इतने छोटे बॉक्स में आधा किलो आराम से फिट हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे ये हमारा जो च्यवनप्राश है ये दोस्तों 2 दिन पहले आ गया था, लॉन्चिंग पीरियड में हमने इसको दोस्तों खरीद लिया था, बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों अगर इसकी खुशबू की बात की जाए तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, स्पेशल है। आहा आहा दोस्तों, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, इतने सारे हर्बल रेंज, जितने भी दोस्तों ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है वो सारे इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर बात की जाए तो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाले हुए हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली इसमें दोस्तों 32 जड़ी बूटी डाली गई है और 16 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद है। तो अगर आप इसको एक चम्मच खाओगे तो आपको इतना एनर्जेटिक महसूस होगा कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ एक चम्मच खाने के बाद दोस्तों, कितना ज्यादा एनर्जेटिक महसूस होता है। और अगर बात की जाए इसकी टेस्ट की तो दोस्तों इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। इतने सारे ऑर्गेनिक चीजें अगर आपको एक ही डब्बे में देखने के लिए मिल रहा है तो ये खास बात तो होगा ही आपके लिए। चलिए चलते इसको दोस्तों टेस्ट करके तो देखते हैं। आप देख सकते हो इसका मैंने ऊपर का कवर नहीं निकाला है दोस्तों, अगर मैं ऊपर का कवर निकाल दूं तो ये दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। तो ऊपर का कवर मैंने निकाल दिया है, मैं तो 2 दिन से इसको यूज कर रहा हूँ। अगर इसकी यूसेज की बात की जाए कि कौन कौन बच्चे, कौन कौन बड़े बड़े बच्चे इसको खा सकते और कब कौन से टाइम पे इसको खाना है, तो एक सिंपल सी चीज आप नोट कर लो, जितने भी 6 साल से बड़े वाले बच्चे हैं, 6 साल और उससे बड़े वाले बच्चे है 12 साल के एज तक, उनको आप ये रेकमेंड कर सकते हो कि सुबह और शाम के टाइम पे उनको ऐसा जो टीस्पून है उनको ऐसा वाला दोस्तों आधा चम्मच लेना है, यानी कि सुबह के टाइम पे आधा और शाम के टाइम पे आधा। और जितने भी 12 साल के ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं, 12 साल से लेके आगे जहां तक आप दोस्तों जाना चाहते हो आप चले जाओ 12 साल के ऊपर, आपकी जितनी एज है आप पकड़ लो, उन बड़े बड़े बच्चों के लिए दोस्तों सुबह और शाम के टाइम पे आप खा सकते हो, लेकिन उनका जो डोज है वो है ये 1 टीस्पून सुबह के टाइम, 1 टीस्पून शाम के टाइम। आप इसको आराम से बेझिझक दोस्तों खा सकते हो और बेसिकली सब लोग खाना खाने के बाद ही खाते हैं, तो मैं तो अभी वीडियो बना रहा हूं आपके लिए दोस्तों, मैं तो कभी भी खा सकता हूं। देख सकते हो बहुत ही इसका क्रीमी फ्लेवर है, खुशबू तो दोस्तों लाजवाब है। आपको ये भर के 1 टीस्पून लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने तो दोस्तों 1 चम्मच लिया हुआ है, वैसे तो मैं दोस्तों छोटा सा बच्चा ही हूं लेकिन फिर भी मैं 1 टीस्पून ही खाऊंगा ये। इतने सारे ऑर्गेनिक हर्ब इसमें मिक्स है दोस्तों कि क्या बताए, टेस्ट तो एकदम लाजवाब है इसकी। और एक खास बात,
और दोस्तों इसकी खास बात एक ये है कि अगर आपने इसका एक टीस्पून खा लिया ना, तो आप दोस्तों ये डब्बा खाने के लिए बैठ जाओगे और दोस्तों पीछे से आपकी मम्मी आएगी और आपको बहुत मारेगी, क्योंकि ये दिन में बस दो ही बार खाना है, पूरा डब्बा खाने की जरूरत नहीं है, वरना दोस्तों आपकी मम्मी आएगी और आपको बहुत मारेगी। देख सकते हो पूरा चम्मच खत्म करने के बाद, और दोस्तों इतना ज्यादा एनर्जेटिक महसूस हो रहा है कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं छोटा सा डेमो करके दिखाने वाला हूं इसे खाने के बाद कितना अच्छा और बढ़िया वाला दोस्तों एनर्जेटिक महसूस होता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कितने सारे बर्तन पड़े हैं, और यहाँ पे दोस्तों मम्मी घर पे नहीं है, मेरे पे दोस्तों इतनी ज्यादा एनर्जी है कि मैं ये सारे के सारे बर्तन अभी के अभी धो के दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे सारे बर्तन अच्छे से धो डाले हैं डिश ड्रॉप की मदद से, यहाँ पे एनर्जी की तो कोई भी कमी नहीं है, हमारे पास भर भर के एनर्जी दी है हम लोगों को इस च्यवनप्राश ने, सुबह के एक चम्मच और शाम को एक चम्मच, अच्छे से दोस्तों खा लो और भर भर के एनर्जी स्टैमिना और इम्यूनिटी ले लो। अगर आप देखे जाए तो ये पूरे आधे किलो के अंदर 70% इन्होंने आंवला डाला हुआ है, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों का ये मानना रहता है कि च्यवनप्राश को ठंडी के मौसम में खाना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से गर्मी यानी कि हीट देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि अपना जो एमवे का जो च्यवनप्राश है ये थोड़ा सा हट के ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें जो आंवला है वो आप सब लोगों को पता ही बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है, और ये हम पूरे के पूरे 2 साल आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आंवला डाला हुआ है, और ये अगर गर्मी में भी अगर हम लोग खाएंगे तो ये हमारे शरीर के अंदर ठंडक ही देगा, क्योंकि अभी मैंने 200 एक चम्मच खाए तो पूरी बॉडी अच्छे तरीके से 200 ठंडी ठंडी हो गई है। ये अपने इम्यूनिटी को तो अच्छे से बढ़ाता है, और इम्यूनिटी के साथ साथ मेन चीज बताए तो इसको यूज करने का सबसे बढ़िया और बेहतरीन जो मुझे लगा कि भाई इसको यूज क्यों करें, क्योंकि दोस्तों ये हमें जवान भी बनाता है, जवान इन द सेंस अगर हमारी एज बहुत जल्दी जल्दी फास्ट दोस्तों हो रही है, हम टाइम के साथ साथ बहुत जल्दी दोस्तों बूढ़े लगने लगते हैं, ये दोस्तों हमारी एजिंग की प्रोसेस को बहुत ही धीरे धीरे स्लोली स्लोली एकदम दोस्तों कछुए के जैसे धीरे धीरे कर देता है, ये इसका बहुत ही ज्यादा और बेनिफिशियल फायदा है। और तो और दोस्तों ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेंटेन रखता है, हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है उनको ये बाहर रिमूव करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो भी है उनको रिमूव करता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। आपको पता है जो आंवला होता है वो बेसिकली एंटी एजिंग का काम करता है, इसीलिए दोस्तों बोला गया है इसका सेवन करने से हम अपनी एजिंग की प्रोसेस को कम कर सकते हैं। तो यही दोस्तों फॉर्मूला है इसके अंदर जो डाला गया, जो हमें जवान बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद कर रहा है दोस्तों। और आंवला आपको पता है स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, अपने स्किन बालों के बालों को दोस्तों ये बहुत ही अच्छे तरीके से काला करता है, तो इसका रेगुलर सेवन डेली यूज करने से ही आपको इतने सारे इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक हर्ब्स जैसे कि वसाखा डाला हुआ है, जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्प करता है, जिनको बहुत सारे म्यूकस आता रहता है, म्यूकस की जिनको प्रॉब्लम है, गले में दिक्कत है, गले में स्वेलिंग होती रहती है, उसके लिए भी दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है, और जिनको अस्थमा का भी प्रॉब्लम है तो वो भी दोस्तों बेसिकली सॉल्व होने वाला है इसका रेगुलर यूज करने से। और अगर सेकेंड बात की जाए तो इसमें दोस्तों तेज पत्ता भी डाला हुआ है जो डाइजेशन में काम आता है, अपने जो स्टमक में जो भी दोस्तों बीमारी रहती है डाइजेशन की वो सॉल्व होने वाली है, अल्सर स्पेशली अल्सर की बहुत लोगों को दिक्कत होती रहती है, तो अल्सर भी दोस्तों इससे अच्छे से आपका क्लियर होने वाला है। अल्सर के बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो डिप्रेशन का भी इशू बहुत लोगों को रहता है, और आपको पता है कि बेसिकली जो तेज पत्ता है वो डिप्रेशन को धीरे धीरे कम करने में भी हेल्प करता है।
और बहुत लोगों को यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम रहता है, जॉइंट्स में पेन होते रहते हैं, बहुत लोगों की उंगलियों में पेन होते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पे जहां पे जॉइंट्स रहते हैं आपके अगर पेन हो रहा है वहां पे आपको पता होगा कि यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हाई मात्रा में दोस्तों बन रहा है, तो वो अपना ये च्यवनप्राश उस यूरिक एसिड को तोड़ने में बहुत ज्यादा दोस्तों अच्छे से काम करता है। अगर आपकी यूरिक एसिड की मात्रा आपके बॉडी में बहुत ज्यादा से ज्यादा बन रही है तो उसको कम करने में और नॉर्मल करने में ये भी बहुत ज्यादा दोस्तों हेल्प करने वाला है। तो इसके अंदर भी बेल का पत्ता यूज किया गया है, जिनको भी हीटिंग इशू बहुत रहता है, जिनकी बॉडी जितनी जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज्यादा चला जाता है, ऑटोमेटिकली दोस्तों बॉडी है कुछ भी हो सकता है, तो उसको भी दोस्तों कम करने में या कंट्रोल करने में ये च्यवनप्राश हेल्प करता है। और इसमें हर हर यानी कि हरिता की आपको पता है एंडियन एक प्रोडक्ट भी है जिसको हम त्रिफला बोलते हैं, जिसमें हरिता की भी यूज किया गया है। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो हरिता की है वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों डाइजेशन में काम करता है यानी कि पेट साफ करने के लिए काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बेसिकली दोस्तों डायबिटीज कम करने में भी हेल्प करता है और बहुत सारे दोस्तों भिन्न भिन्न प्रकार के इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो कि दोस्तों मैं नाम लेने बैठू तो दोस्तों मैं भी थक जाऊंगा, और ऐसे ऐसे नाम है दोस्तों कि आपने ना मैंने कभी सुने हैं ना जाने हैं, लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे दोस्तों इंग्रेडिएंट्स इसमें मिले हुए हैं। तो अगर आपको इसको लेना है तो आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा दोस्तों इसके फायदे है, बेनिफिट्स है, यूज करो और दोस्तों बेनिफिट्स का आनंद उठा। इसीलिए तो दोस्तों बोला गया है इस च्यवनप्राश को कि च्यवनप्राश है एक, लेकिन इसके फायदे है अनेक। इसमें इतने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं कि आप दोस्तों नाम लेते लेते याद करते करते थक जाओगे, लेकिन ये दोस्तों खत्म नहीं होने वाला है। इसीलिए बोला गया है कि ये जो च्यवनप्राश है ये बेसिकली हमें दिन में दो बार सुबह शाम इसको कंज्यूम करना चाहिए, ताकि अपनी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छे से दोस्तों मेंटेन रहे और हमें यंग दिखने में भी हेल्प करे। तो अगर आपने इसको नहीं लिया है तो जाके दोस्तों परचेज कीजिए एमडी वेबसाइट से, और परचेज करने के बाद यूज कीजिए। तो दोस्तों चलिए चलते और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।